हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा सिंह और आप देख रहे हैं TV9। एडीनो वायरस जो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, स्पेशली 10 साल से छोटे बच्चों में। आखिर ये होता क्या है, हमारी बॉडी पर कहाँ अटैक करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर ये हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरीके की डाइट हमें लेनी चाहिए, आज की वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एडीनो वायरस हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स पे ज़्यादा अटैक करता है, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी आईज, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे लंग्स, हमारा इंटेस्टाइन और हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो एडीनो वायरस के ज़्यादा रिस्क पर हैं? एडीनो वायरस के रिस्क पर हैं बच्चे, वो भी 10 साल से छोटे बच्चे, और ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है। फैलता कैसे है? भीड़भाड़ वाली जगहों पर, जैसे कि स्कूल, डे केयर, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, यानी कि अगर इन्फेक्टेड बच्चे ने खांसा या छींका तो उसके ड्रॉपलेट से वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकता है। इन्फेक्टेड हाथों से अगर किसी चीज़ को छुआ जाए और दूसरा बच्चा उसी चीज़ को हाथ लगा ले और वही हाथ अपने कान, नाक, मुंह या आंखों पर लगाए तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर किसी को एडीनो वायरस का इन्फेक्शन है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये एडीनो वायरस इन्फेक्शन है? सबसे पहली चीज़ है पिंक आई, यानी कि कंजंक्टिवाइटिस, आँखों का इन्फेक्शन, कान में दर्द होना, खांसी, जुकाम, सर्दी, रनी नोज, स्टफी नोज, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द, डायरिया, नोज़िया, UTI, कान में दर्द। ऐसे सिम्टम्स अगर किसी को हैं तो वो एडीनो वायरस हो सकता है। अगर किसी की आंखों पर स्वेलिंग है, सांस लेने में तकलीफ है, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, या पिछले 3 से 5 दिन से बुखार है जो जा नहीं रहा, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, स्वॉप टेस्ट करेंगे और चेस्ट का एक्सरे करेंगे, जिससे ये क्लियर हो सकता है कि ये एडीनो वायरस है कि नहीं। एडीनो वायरस होने से आखिर बचा कैसे जा सकता है? भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, मास्क पहनना, हाथ बार बार धोते रहना और अपने हाथों से अपने मुंह, कान, आंख और नाक को टच ना करना, यही एक प्रिवेंशन है एडीनो वायरस से। अगर किसी को एडीनो वायरस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है प्रॉपर रेस्ट लेना, बिना अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी ना लें, कोई भी दवा ना लें। अगर फीवर है तो उसके लिए पैरासिटामोल लें, प्रॉपर रेस्ट करें, डाइट में फ्लूइड्स लें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें जो गुनगुना हो, कोकोनट वाटर लें, जूस लें, फ्रेश फ्रूट जूस, और खाने में दलिया या खिचड़ी जैसे बहुत ही सॉफ्ट और ईजीली डाइजेस्टिबल चीज़ें लें। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एडीनो वायरस के बारे में। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और देखते रहिए TV9 और उसको फॉलो ज़रूर करिए।